हेलो एवरीवन, माय नेम इज कान्हा मिश्रा, योर टेक बडी। तो आज हम एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं जिसमें हम लार्जेस्ट एरिया हिस्टोग्राफ को सॉल्व करें। सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं। तो आपको एक हिस्टोग्राम दिख रहा होगा यहाँ पे। बेसिकली यहाँ पे हमें करना क्या है, हमें इसमें लार्जेस्ट एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताना है। तो इसमें मुझे दिख रहा है कि लार्जेस्ट एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये वाला एरिया है। अगर आप लोग मेरा पेन देख पा रहे होंगे तो ये वाला एरिया लार्जेस्ट एरिया ऑफ हिस्टोग्राम। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये हम जानते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज इस प्रॉब्लम के अंदर आपको ये देखना है, कोई भी एक पर्टिकुलर बार, लेट से ये वाला बार पकड़ते हैं हम, ये अपनी विड्थ को, लेट से ये इसकी विड्थ है इनिशियली, ये अपनी विड्थ को कहाँ तक एक्सटेंड कर सकता है। एक्सटेंड करने का मतलब है मुझे दिख रहा है कि राइट साइड में ये इस पॉइंट पे जाके रुक जाएगा, लेफ्ट साइड में तो ऑलरेडी दिस इज द लास्ट पॉइंट, इसके आगे नहीं जा सकते। यानी कि अगर इस पॉइंट में मैं खड़ा हूं तो मुझे अपने राइट में नेक्स्ट स्मॉलर पता होना चाहिए। अगर मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूं तो मुझे अपने राइट में एक नेक्स्ट स्मॉलर पता होना चाहिए। और अगर मुझे राइट में एक्सटेंड करना है तो, और अगर मुझे अपने लेफ्ट में भी एक्सटेंड करना है तो मुझे अपने लेफ्ट का नेक्स्ट स्मॉलर पता होना चाहिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला 5 वाला जो बार है अपनी हाइट को इसी पॉइंट तक इंक्रीज कर सकता है, एंड राइट साइड में ये इस पॉइंट तक अपने आप को इंक्रीज कर सकता है। तो मेरी विड्थ कितनी हो जाएगी इन दोनों के बीच, 2 और 1 के बीच की टोटल विड्थ कितनी है मुझे ये फिगर आउट करनी है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में 1 और 2, इनके बीच में जो टोटल विड्थ है वो कुछ इतनी विड्थ आती है। लेट्स से इसको मैं डब्ल्यू बोल देता हूँ। इस पर्टिकुलर विड्थ को अगर मैं डब्ल्यू बोल दूं तो डब्ल्यू कम्स आउट टू बी, इंडेक्सेस का खेल होगा फिर से, ठीक है? तो राइट इंडेक्स, ये इसका जो इंडेक्स है इस पर्टिकुलर का, माइनस लेफ्ट का इंडेक्स, यानी कि इस नेक्स्ट स्मॉलर ऑन द लेफ्ट का इंडेक्स। तो ये मेरे को 4 माइनस 1, इट विल गिव आउट टू मी 3, ये मुझे 3 दे देगा। लेकिन ये तो विड्थ 2 ही दिख रही है। यहां ध्यान से देख, इस 5 ने अपने लेफ्ट में नेक्स्ट स्मॉलर ऑन द लेफ्ट ढूंढा, एंड राइट में नेक्स्ट स्मॉलर ऑन द राइट ढूंढा, एंड इन दोनों के बीच में मैंने अपना एरिया निकाला है। देख रहे हो, इन दोनों के बीच के बीच में। तो आई नीड टू डू वन मोर माइनस। फॉर्मूला, इफेक्टिव फॉर्मूला कम्स आउट टू बी R-L-1। ठीक है, आई होप सबको क्लियर हुआ होगा। हाइट विल बी हाइट आई, लेट्स से हाइट विल बी हाइट ऑफ आई, आईथ हाइट विल बी दैट पर्टिकुलर थिंग जो उस हाइट को इंक्रीज एंड डिक्रीज करेंगे इन द लेफ्ट एंड राइट डायरेक्शन। तो दैट्स द होल अप्रोच। आई होप अप्रोच सभी को क्लियर हुई होगी। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एक पर्टिकुलर हाइट अपने लेफ्ट में अपनी बाउंड्री को कहाँ तक इंक्रीज कर सकती है, अपर ये वाली बाउंड्री की बात हो रही है। यहाँ पे अगर आप मेरा कर्सर देखेंगे इसकी बात हो रही है, दिस पर्टिकुलर पॉइंट, एंड मुझे दिख रहा है कि अपने राइट में इस पॉइंट तक एंड लेफ्ट में यहीं पे कर सकती है। तो आई नीड टू फाइंड द नेक्स्ट स्मॉलर ऑन द राइट एंड द नेक्स्ट स्मॉलर ऑन द लेफ्ट, बिकॉज उसके बियॉन्ड ये इंक्रीज नहीं कर सकते अपनी विड्थ। सो नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड द सॉल्यूशन। तो सबसे पहली चीज मेरे दिमाग में ये आएगी कि मैं इस पर्टिकुलर हाइट के लिए, किसी भी पर्टिकुलर हाइट के लिए एच ऑफ आई दिया है, तो मैं दो चीजें फाइंड कर लेता हूँ। क्या क्या फाइंड करूँ? इसका नेक्स्ट स्मॉलर ऑन द लेफ्ट एंड इसका नेक्स्ट स्मॉलर ऑन द राइट। अगर ये दो चीजें मुझे मिल जाए तो इन दोनों चीजों का इंडेक्स चाहिए, मुझे इनका इंडेक्स चाहिए। तो मैं आई विल रिटर्न द इंडेक्स ऑफ दीज टू। अगर मुझे इन दोनों की इंडेक्स मिल जाए, सो व्हाट आई विल जस्ट डू, आई विल जस्ट यूज एल, लेट्स से लेट्स कॉल द इंडेक्स एज एल एंड द राइट वन एज आर। सो द विड्थ विल बी R-L-1 एंड हाइट विल बी फॉर द पर्टिकुलर बार विल बी हाइट ऑफ आई दैट इज स्टोर्ड इन एन एरे एंड द एरिया विल बी विड्थ इनटू हाइट एंड आई कैन टेक माय मैक्सिमम। मैं अपने मैक्सिमम वेरिएबल को इससे कंपेयर करा सकता हूँ। कैसे? मैक्सिमम इज इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स, अभी तक का मैक्सिमम कॉमा कैलकुलेटेड एरिया एज ऑफ। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ। नाउ नेक्स्ट स्मॉलर ऑन द लेफ्ट एंड नेक्स्ट स्मॉलर ऑन द राइट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया, आप उसे चेकआउट करके इस क्वेश्चन पे वापस आ सकते हैं। ठीक है, तो अब एक छोटा सा ओवरव्यू दोबारा दे देता हूँ अप्रोच का। अप्रोच ये रहेगी, आई विल ट्रैवल ओवर द होल एरे, जो मुझे हाइट्स का एरे दिया होगा, आई विल ट्रैवल ओवर दिस होल एरे एंड व्हाट आई विल डू फॉर अ पर्टिकुलर इंडेक्स आई, फॉर अ पर्टिकुलर इंडेक्स आई, आई विल कैलकुलेट द नेक्स्ट स्मॉलर ऑन द लेफ्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडेक्स
नेक्स्ट स्मॉल और ऑन द राइट ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडेक्स इस आई का। यहां से मैं एक एल इंडेक्स मंगा लूंगा तो मुझे ये बता देगा कि लेफ्ट में किस पॉइंट पे इसका नेक्स्ट स्मॉल और ऑन द लेफ्ट लाई करता है। एंड सेम फॉर द आर, लेट्स कॉल इट एज आर। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे तो इट विल बी आर माइनस एल माइनस वन, क्योंकि बीच की विड्थ चाहिए, लेट्स कॉल इट डब्ल्यू। एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, एरिया विल बी दैट पर्टिकुलर विड्थ इनटू जो इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे हाइट है, क्योंकि इसी को तो एक्सटेंड कर रहे हैं लेफ्ट राइट में, तो विड्थ इनटू हाइट ऑफ आई, दैट विल बी माय एरिया एंड आई विल कंपेयर इट विद द मैक्स। ठीक है, आई होप अभी तक सभी को क्लियर होगा। नाउ लेट्स ट्राई टू थिंक समथिंग एल्स बिफोर गोइंग दैट, लेट मी फिगर आउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रीवियस अप्रोच। सो द प्रीवियस अप्रोच ट्रैवर्सेस ओवर द एरे फॉर वन टाइम, ठीक है, एंड आई हैव क्रिएटेड सेपरेट फंक्शन फॉर एन एस ओ आर एंड एन एस ओ एल। तो उन दोनों सेपरेट फंक्शन में ऑर्डर ऑफ एन लग रहा है, विच विल बी प्री कंप्यूटेड। हम वो प्री कंप्यूट कर लेंगे एरे की मदद से, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट इन द सेपरेट वीडियो। एंड फॉर दिस पर्टिकुलर अप्रोच द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑर्डर ऑफ एन, क्योंकि एक पर्टिकुलर इंडेक्स एक ही बार ट्रेवल हो रहा है और उसका नेक्स्ट स्मॉलर ऑन द लेफ्ट एंड नेक्स्ट स्मॉलर ऑन द राइट पहले से ही प्री कंप्यूटेड। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑर्डर ऑफ एन। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यू कैन से दैट फॉर एन एस ओ आर एंड एन एस ओ एल वी आर क्रिएटिंग टू सेपरेट स्टैक्स, सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑर्डर ऑफ एन। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और एक्सपैंड करते हैं। ये तो हमने एक अप्रोच देखी, क्या मैं अभी मुझे ना दो दो सेपरेट फंक्शंस करके इसका लेफ्ट और राइट मंगाना पड़ रहा है, तो यार मुझे दो ओ एन के लूप लगाने पड़ रहे हैं। कैन आई डू इट इन अ सिंगल लूप, मुझे ये फिगर आउट कर। तो लेट्स ट्राई टू फिगर दिस आउट। तो मैं इसको एक बार दोबारा रीड्रॉ कर देता हूँ फॉर एवरी वन। टू वन फाइव, डोंट गो ओवर द ड्रॉइंग बिकॉज ड्रॉइंग मेरी बहुत अच्छी नहीं है, आई होप एवरी वन कैन बियर विद दैट। सिक्स टू थ्री, ठीक है। मैं क्या करता हूं, कॉन्सेप्ट क्या था पिछले अभी तक, लेफ्ट बाउंड्री और राइट बाउंड्री, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट ट्रैवलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इतना तो पता चल गया कि लेफ्ट टू राइट ट्रैवल करना है। कैसे करना है, अब यहां पे मैंने थोड़ा सा मोनोटॉनिक स्टैक के बारे में भी प्रीवियस वीडियो यानी कि नेक्स्ट स्मॉलर ऑन द लेफ्ट एंड नेक्स्ट स्मॉलर ऑन द राइट के बारे में बताया था। आई होप प्लीज आप उस वीडियो को एक बार दोबारा चेकआउट करें, क्योंकि इस उस टॉपिक के उस वीडियो के सारे टॉपिक्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स टेक अ स्टैक अगेन। ठीक है, मैं स्टैक को हॉरिजॉन्टली बनाऊंगा फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, आसान रहेगा। वेयर दिस इज पर्टिकुलरली दिस पॉइंट इज द टॉप ऑफ द स्टैक, थोड़ा सा हॉरिजॉन्टली बनाया फॉर द इजीनेस। ठीक है, अब सबसे पहले नेक्स्ट स्मॉलर ऑन द लेफ्ट एंड नेक्स्ट स्मॉलर ऑन द राइट की प्री कंप्यूटेड वैल्यूज को याद करो। अगर आप लोग वीडियो चेकआउट करके आए हो तो आपको पता होगा कि लेफ्ट साइड की सबसे मिनिमम वैल्यू थी माइनस वन एंड राइट साइड के लिए जो मेरी इंडेक्स थी वो थी एन, क्योंकि जिन एलिमेंट्स का नहीं निकला तो लेफ्ट में हम माइनस वन ले लेंगे एंड राइट साइड में उनके लिए एन ले लेंगे। ठीक है, ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो मैं क्या करता हूं, मुझे एट द एंड नेक्स्ट स्मॉलर ऑन द लेफ्ट चाहिए, नेक्स्ट स्मॉलर ऑन द राइट चाहिए। तो लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल, मैं इस टू का एग्जाम्पल लेता हूँ। मैं स्टैक में अपने पहले से ही ना माइनस वन डाल दू, दिस विल बी वेरी हेल्प क्योंकि मुझे लेंथ कैलकुलेट करनी है। इस टू का एग्जाम्पल लेते हैं, तो स्टैक तो अभी माइनस वन यानी स्टैक में भी कुछ नहीं पड़ा, माइनस वन इस चीज का सिंबल करता है। तो मैं क्या करता हूँ, टू कॉमा जीरो को स्टैक में पुश करता हूँ। यार मुझे पता है कि मैं एलिमेंट को पुश कर रहा हूँ, बट टेक्निकली आई एम पुशिंग इंडेक्स, मैं एलिमेंट को साथ में शो कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना। ठीक है, इसके बाद वन की बारी आती है, तो द नेक्स्ट एलिमेंट कमिंग इज वन कॉमा वन। अब बहुत ध्यान से देख, मैं क्या कह रहा हूं कि जो इनकमिंग एलिमेंट की वैल्यू यानी कि वन एंड जो स्टैक के टॉप पे पड़े हुए इंडेक्स की वैल्यू यानी कि टू, टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। यानी कि ये जो वन है यानी कि ये वाला जो वन हाइट का वैल्यू इनकमिंग है, ये इस टू के लिए इमीडिएट राइट बाउंड्री का काम कर सकता है। ठीक है, तो मैं इस टू को पॉप आउट करा दूंगा, आई विल पॉप दिस आउट। तो मैं अब क्या करता हूं, मैंने हाइट को पॉप आउट कराया एच के अंदर, मैंने टू को स्टोर कर लिया, अभी के लिए पॉप आउट करा के उसको स्टोर भी कर लेंगे, तो मैंने स्टोर कर लिया टू। इसकी विड्थ कैसे निकलेगी, तो स्टैक के टॉप पे निकालते, स्टैक के टॉप पे माइनस वन पड़ा है, तो इसका इंडेक्स कितना है वन और ये है माइनस वन। विड्थ कैसे निकलती है, वन माइनस ऑफ माइनस वन
क्योंकि इन दोनों के बीच की चाहिए, इन दोनों पॉइंट्स के, इसके और इसके, इन दोनों के बीच की विड्थ चाहिए ना। सो डेट विल गिव मी दिस पर्टिकुलर विड्थ, 1 माइनस माइनस 1, और एक माइनस और कर देना ताकि इसके बीच की विड्थ आ जाए। तो दैट विल बी माई इमीजिएट राइट बाउंड्री की वजह से विड्थ आ। तो मैंने क्या करा, स्टैक के पीक को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, स्टैक के पीक को मैंने इमीजिएट लेफ्ट बाउंड्री का काम करवा दिया, एंड इनकमिंग एलिमेंट को इमीजिएट, आईएफ इंडेक्स को इमीजिएट राइट बाउंड्री का काम करवा दिया। किस पर्टिकुलर कंडीशन पे, जब स्टैक के पीक पे जो वैल्यू पड़ी है, स्टैक के पीक पे जो वैल्यू पड़ी है, लेट्स से कॉल इट एज एच, ये जो वैल्यू पड़ी है दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू हाइट ऑफ आई। ठीक है, अगर ऐसा है तो इस पर्टिकुलर हाइट के लिए, इस पर्टिकुलर हाइट टू के लिए, वन वाला जो वैल्यू है, जो वन वाला इंडेक्स है, वो इमीडिएट राइट बाउंड्री का काम कर सकता है, और दिख भी रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो टू के लिए इमीडिएट राइट बाउंड्री क्या है, ये वन, और टू के लिए इमीडिएट लेफ्ट बाउंड्री क्या है, ये -1। तो मैंने क्या करा, इन दोनों के बीच की विड्थ निकाल ली, ये मेरी हाइट है, और मैंने अपना एरिया कैलकुलेट कर लिया। तो मैक्स एरिया अभी तक का कितना हो गया, लेट्स से एम में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो अभी तक का मैक्स मेरा कैसा, 0, क्योंकि एरिया तो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो 0 ले लेंगे, -2, अभी तक का एरिया 2 कैलकुलेट हुआ, तो 0 और 2 में 2 मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, 0 और 2 में जब 2 मैक्सिमम हो जाएगा, तो अब मुझे क्या करना है, मैं आगे बढ़ता हूँ, मैंने इस एलिमेंट को पुश करा दिया स्टैक में, तो स्टैक में पुश कराया 1, 1। ठीक है, अब आगे बढ़ते और आगे चेक करते, अब आया 5, तो इनकमिंग एलिमेंट कौन सा है, 5, 2। क्या जो इनकमिंग एलिमेंट है उसकी जो हाइट है, एंड जो स्टैक के टॉप पे पड़ा हुआ एलिमेंट है उसकी जो हाइट है, क्या वो पर्टिकुलर एलिमेंट कंडीशन वैलिड कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि इनकमिंग एलिमेंट की हाइट स्टैक के टॉप पे पड़े हुए एलिमेंट की हाइट से बड़ी है, यानी कि इनकमिंग एलिमेंट स्टैक के टॉप पे पड़े हुए एलिमेंट का इमीडिएट राइट बाउंड्री का काम नहीं कर सकता। ठीक है, दोबारा सुन लो, स्टैक के टॉप पे पड़े हुए एलिमेंट की इमीडिएट राइट बाउंड्री का काम करेगा आईएथ इंडेक्स, स्टैक के टॉप पे पड़े हुए एलिमेंट की इमीडिएट लेफ्ट बाउंड्री का काम करेगा उसको पॉप कराने के बाद जो सबसे ऊपर वाला इंडेक्स आता है वो। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए तो कुछ होगा नहीं, तो 5 को पुश करा देंगे। मैं थोड़ा सा ना नीचे कर देता हूँ ताकि मैं इस और अच्छे से ड्राई रन कर सकूँ। ठीक है, तो अभी तक अगर मैं अपना फेस भी आगे कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, आई हैव जस्ट मूव माई फेस हियर। तो अगर आप लोग ध्यान से इसका ड्राई रन देख रहे हैं, तो अभी तक क्या हुआ है, मैंने -1 डाला था एंड 2, 0 को पॉप करा दिया था, तो द नेक्स्ट एलिमेंट विच इज इन द स्टैक इज 1, 1। ठीक है, इतनी बात समझ आती है। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल चेक विद द 5, 2। तो मुझे पता चला 5, 2 के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो वी विल जस्ट पुश इट 5, 2 डायरेक्ट। ठीक है, 6 की बारी आती है, 6 भी इमीडिएट बाउंड्री का काम स्टैक के टॉप के एलिमेंट के लिए नहीं कर सकता, तो 6, 3 को पुश कर देंगे। अब बारी आई 2, 4 की, तो ये है 2, 4, वेयर 2 इज द वैल्यू एंड 4 इज द इंडेक्स। तो चेक करूंगा क्या स्टैक के टॉप पे जो पड़ा एलिमेंट है, क्या उसकी हाइट मेरे इनकमिंग एलिमेंट से बड़ी है? यस, यानी कि 2 इस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए, यानी स्टैक के टॉप पे पड़े हुए 6 के लिए इमीजिएट राइट बाउंड्री का काम कर सकता है। तो क्या करूंगा, इस 6 को पॉप करा दूंगा, इस पर्टिकुलर इंडेक्स को पॉप करा दूंगा, उससे वैल्यू मिल जाएगी। नाउ माई पर्टिकुलर विड्थ विल बी 2 का इंडेक्स यानी कि 4 माइनस 5 का इंडेक्स, ये मेरा 4 है और 5 का इंडेक्स है 2, इन दोनों के बीच की विड्थ निकालनी है। तो इन दोनों के बीच की विड्थ कैसे आएगी, 4 माइनस 2 माइनस 1, इट विल बी 1, एंड द हाइट विल बी कितनी हो जाएगी, हाइट मेरी हो जाएगी 6, क्योंकि हम 6 की बात कर रहे हैं, मैं पुश आउट करता जा रहा हूं, तो हाइट विल बी 6। तो एरिया विल कम आउट टू बी विड्थ इंटू हाइट, दैट विल बी टोटल ऑफ 1 इंटू 6, दैट विल बी 6। मैं थोड़ा सा इस स्क्रीन को ढंग से कर लेता हूँ ताकि एवरीवन गेट्स अ फेयर आइडिया कि हो क्या रहा। ठीक है, एंड ये तो 6 के लिए हो गया, लेट्स ट्राई टू चेक, हमने 6 को पॉप करा दिया, क्या जो 5 है, 5 भी तो यार इनकमिंग एलिमेंट से बड़ा है, जो 5 इनकमिंग एलिमेंट है 2, और स्टैक के टॉप पे एलिमेंट पड़ा है वो है 5, तो जो इनकमिंग एलिमेंट है उसकी हाइट से तो टॉप का एलिमेंट अभी भी पड़ा है, तो इस 5 को भी पॉप करा दिया। अब स्टैक के टॉप पे मेरे को मिल गया 1, अब स्टैक के टॉप पे मेरे को मिल गया 1। और अगर आप ध्यान से देखो, मैं अभी पॉइंट आउट करने जा रहा हूँ, अगर आप लोगों को दिख रहा हो, एक मिनट दीजिए, अगर आपको ये चीज दिख रही है, तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है,
यहां तक एक्सटेंड हो रहा है ना, ये पर्टिकुलर पॉइंट ये एक्सटेंड हो पा रहा है। अब टू वाला पॉइंट अगर आप ध्यान से देखो तो इधर तक एक्सटेंड हो जाएगा ना, तो अगर आप चीज को आप लोगों को ये चीज दिखी हो तो बेसिकली टू अगर इमीजिएट राइट बाउंड्री है तो सिक्स अपने आप को यहाँ इधर करेगी, बट जब फाइव की बारी आएगी तो फाइव भी तो इसके अंदर अपने आप को मिला लेगा, क्योंकि फाइव जो है वो भी तो टू से बड़ा है, तो फाइव भी पॉप आउट हो जाएगा। तो माई इमीजिएट लेफ्ट बाउंड्री कम्स आउट टू बी स्टैक के टॉप का एलिमेंट यानी कि वन। इमीजिएट लेफ्ट बाउंड्री मेरी वन बन गई, स्टैक के इनकमिंग एलिमेंट जो है वो है टू, तो फोर माइनस वन का इंडेक्स यानी कि वन, तो फोर माइनस वन दैट विल बी थ्री, इसमें से माइनस वन और करेंगे ताकि बीच की आ जाए, तो बीच का अगर मेरे पास विड्थ आ जाएगा तो फोर माइनस वन थ्री, थ्री माइनस वन इट विल बी टू। ठीक है, तो मेरे पास जो टोटल विड्थ आ गई वो आ गई टू। हाइट कौन सी थी मेरी जो मैंने पॉप कराई थी, वो थी फाइव। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, एरिया निकाल लूंगा, इट विल बी टू इंटू फाइव दैट विल बी टेन, और मैं इस टेन को अपने अभी तक के मैक्सिमम से कंपेयर कर लूंगा। यही काम करते रहेंगे। आई लेट मी समराइज अगेन, जो स्टैक में इनकमिंग एलिमेंट है वो इमीजिएट राइट बाउंड्री का काम करेगा, और अगर उसकी हाइट इनकमिंग एलिमेंट की हाइट मेरे स्टैक के टॉप पे पड़े वाले एलिमेंट की हाइट से कम है तो वो उसको पॉप आउट करा देगा, एंड जो स्टैक के पीक पे अब जो एलिमेंट आया है वो इमीजिएट लेफ्ट बाउंड्री का काम करेगा। ठीक है, एंड वी विल कीप ऑन टेकिंग द डिफरेंसेस लाइक दैट, एंड इस तरीके से हमें मैक्सिमम एरिया मिल जाए। ठीक है, इस पर्टिकुलर अप्रोच को हम मोनोटोनिक स्टैक भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे टेक्निकली इंडेक्सेस की मदद से हम बार 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 विड्थ निकाल रहे हैं, एंड व्हाट हैपेंस जब भी वैल्यू बड़ी मिल रही है आई एम ट्राइंग टू पॉप इट आउट। तो मोनोटोनिक स्टैक दो टाइप के होते हैं, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर का बनेगा या इट विल बी कंप्लीटली डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो उस केस में यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो आई एम ट्राइंग टू मेक इट अ इंक्रीजिंग ऑर्डर, क्योंकि जो भी बड़ी वैल्यू आ रही तो उसको मैं पॉप आउट कराता जा रहा हूँ, जैसे इनकमिंग एलिमेंट से बड़ी वैल्यू स्टैक के टॉप पे मिली मैंने उसको पॉप आउट करा दिया। पॉप आउट कराने का सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ, मैं अब जो स्टैक के टॉप पे एलिमेंट है उससे अपनी विड्थ कैलकुलेट कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सेस विच आर इन साइड माई स्टैक। ठीक है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ एन, क्योंकि हर एलिमेंट एक ही बार विजिट हो रहा है एंड एक बार एक्स्ट्रा व्हाइल लूप की वजह से विजिट हो जाएगा एट मैक्स, तो टू इंटू एन इट विल बी ऑर्डर ऑफ। ठीक है, अब एक केस और देखते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट केस रह गया, दैट इज व्हाट इफ मेरा कुछ जो बार ग्राफ है वो कुछ इस तरीके का हो, कंप्लीटली इंक्रीजिंग ऑर्डर वाला। ऐसे केस में क्या करते, तो स्टैक में से कुछ भी पॉप आउट नहीं होता, तो हम क्या करते, इस पर्टिकुलर को हम इमीजिएट राइट बाउंड्री ले लेते, एन को इमीजिएट राइट बाउंड्री ले लेता एंड इसको पॉप कराता रहता। आई विल जस्ट पॉप दिस वैल्यू आउट, इसको पॉप कराता एंड इसके साथ अपनी विड्थ निकाल लेता, फिर इसको पॉप कराता, इन दोनों के बीच में अपनी विड्थ निकाल लेता, फिर इसको पॉप कराता एंड इन दोनों के बीच में अपनी विड्थ निकाल लेता, एंड आई वुड हैव केप्ट ऑन गोइंग लाइक दैट। तो जो एलिमेंट्स पॉप आउट नहीं हो पाएंगे, कुछ हो सकता है ना हो, तो उनके लिए हम एन को अपनी इमीजिएट राइट बाउंड्री का विड्थ का मैक्सिमम ले लेंगे ताकि हम विड्थ कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, तो आई थिंक सभी को ये क्लियर होगा, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ एन, क्योंकि हम एक स्टैक ले रहे हैं टू डू दिस इंक्रीजिंग ऑर्डर थिंग, तो इसको मोनोटोनिक स्टैक भी कहते हैं। आई होप सभी को अप्रोच क्लियर होगी। स्टैक वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने इसका कोड डाल दिया था, तो यू कैन चेक इट आउट एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन पोस्ट इन द कॉमेंट्स। आई होप सभी को वीडियो पसंद आया हो एंड आई होप सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो कि एक्चुअली क्वेश्चन सॉल्व कैसे हो रहा है। इसके अलावा किसी को भी कोई डाउट हो तो हैशटैग कोड माई क्वेश्चन करके आप लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अलावा कुछ सॉल्व कराना चाहते हैं तो हैशटैग कोड माई क्वेश्चन करके कॉमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय।